हम पंछी उन्मुख गगन के, हम पंछी उन्मुख गगन के। ये आप मतलब इस चित्र में आप क्या देख रहे हैं, एक चूहा है जो जाल को काट देता है और उसमें जो पंछी कैद होते हैं वो सब उड़ जाते हैं। चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है, चूहा, पक्षी और ये जाल। ठीक है, पक्षी क्या कर रहे हैं, पक्षी उड़ रहे हैं। पक्षियों को देखकर चूहा क्या सोच रहा होगा, ये सोच रहा होगा कि काश मेरे पास भी पंख हो और मैं भी इनकी तरह आसमान में उड़ जाऊं। ठीक है, मैं ये कविता आपके लिए पढ़ देती हूँ, फिर हम क्वेश्चन आंसर सुन, मैं इनके मतलब आपको समझा दूंगी। हम पंछी उन्मुख गगन के, पिंजरा बंद ना गा पाएंगे। हम आज़ाद पंछी हैं, हमें पिंजरे में बंद ना कीजिए। कनक तिलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे, मतलब पिंजरे में बंद होकर उनके जो स्ट्रिंग्स होते हैं उनमें टकराकर हमारे पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। हम बहता जल पीने वाले यानी कि नदियों में जो पानी बहता है वहाँ पर ये पानी पीते हैं, मर जाएंगे भूखे प्यासे, क्योंकि इनको जब प्यास लगती है तब पीते हैं। और इनको उड़ना, आज़ाद रहना पसंद है पंछियों को। तो एक्चुअली ये पूरी जो कविता है ये इस स्वतंत्रता के बारे में है, स्वतंत्रता के महत्व के बारे में है। आप ये कह सकते हो उसका इम्पोर्टेंस, चाहे वो जानवर हो, पक्षी हो या ह्यूमन बींग्स हो, आदमी मनुष्य हो, सबके लिए स्वतंत्रता बहुत ही ज़रूरी है। हम किसी को भी कैद नहीं करना चाहिए, चाहे वो आदमी हो या कोई जानवर हो या कोई भी पक्षी हो, पशु पक्षी हो, उन्हें कैद नहीं करना चाहिए। सबका अधिकार है स्वतंत्र रहना। ठीक है, कहीं भरी है कठोक निभोरी, कनक कटोरी की मैदा से, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर उनके झूले। होती होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, ये तो क्षितिज मिलन बन जाता ये तन की सांसों की डोरी। मैं आराम आराम से पढ़ रही हूँ ताकि आप भी आराम आराम से देखें और समझें। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण की चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। नीड़ ना दो चाहे टहनी का आशय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए तो आकुल उड़ान में विघन ना डालो, सॉरी विघन ना डालो, मतलब हमें उड़ने दो, हमें कैद मत करो, हमें पिंजरे में बंद करके हमारी उड़ान को मत छीनो, हमारी उड़ान को मत छीनो। इस तरह से हम भिन्न भिन्न प्रकार या भिन्न भिन्न सपने रखने वाले, ऊंची ऊंची पर्वतों में उड़ने वाले, पहाड़ों पर, आसमानों पर उड़ने वाले हैं, हमें कैद मत करो। तो ये किस कवि ने लिखा है, शिव मंगल सिंह सुमन। ठीक है, यहाँ पे ये आपको पढ़ना होगा और ये क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको अभी बता देती हूँ। कविता से प्रश्न अभ्यास। हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते, मतलब हम हर चीज़ देंगे पशु पक्षियों को, मतलब खाना देंगे, पीना देंगे, जगह देंगे, हर चीज़ देंगे, पर वे फिर भी बंद क्यों नहीं रहना चाहते। तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे, हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद इसलिए रहना नहीं चाहते क्योंकि उन्हें स्वतंत्रता पसंद है, वे बंधन में रहना नहीं चाहते। वे खुले आकाश में
आजादी पूर्वक उड़ना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि वे खुले आसमान में आजादी पूर्वक, कोई रोक टोक नहीं, कुछ नहीं, वे उड़ना चाहते हैं। पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं, मतलब स्वतंत्र रहकर, मतलब किसी की रोक टोक नहीं, किसी चीज में बंद नहीं, किसी पिंजरे में बंद ना होकर वे कौन कौन सी अपनी इच्छाओं को पूरी कर सकते हैं। पक्षी उन्मुख रहकर नदियों के शीतल जल पीना, शीतल जल पीना मतलब नदियों में से पानी पीना, ठंडा पानी पीना, कड़वी निगोरी खाना, पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर झूलना, खुले और विस्तृत आकाश में उड़ना और क्षितिज के अंत तक उड़ने की इच्छाओं को पूरी करना चाहते हैं। तो ये सब करना चाहते हैं वे, स्वतंत्र होकर या खुले आसमान में घूमना चाहते हैं, वहाँ कड़वी निम्बूरी खाना चाहते हैं, ठंडा पानी पीना चाहते हैं और आकाश में उड़ना चाहते हैं। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तन्ती सांसों की डोरी। इस पंक्ति का मतलब क्या है? इस पंक्ति में कवि ने बताया है कि पक्षी स्वतंत्र होकर क्षितिज यानी आकाश और धरती के मिलन के स्थान तक जाने की इच्छा रखता है, मतलब आकाश और धरती के मिलन की स्थान, मतलब ये कहाँ पर मिलते हैं, आप देखिए, आप अगर किसी समुद्र को देखते हैं तब आप क्या देखते हो? अगर जैसे जहाँ तक भी आपकी नज़र जाती है, अब देखिए, अब कोई ओशन है या सी है, तब आप देखते हो जैसे आसमान और पानी मिल रहे हैं एक जगह पे, हमें ऐसा लगता है, पर ऐसा नहीं है। तो ये वो चाहते हैं कि ये उस दूरी तक जाना चाहते हैं, उस चीज का यहाँ पे ये वर्णन किया है। वे या तो इसे प्राप्त करना चाहते हैं, नहीं तो अपने प्राणों को न्यौछावर कर देते हैं, कर दें। तो इस चीज को हम पाना चाहते हैं कि ये कहाँ पे मिल रहे हैं, या तो अपने प्राण न्यौछावर करना देना चाहते हैं उस चीज को ढूंढने में, क्योंकि हम जानते हैं कि एक डिस्टेंस पे हमारी नज़र ऐसे दिखती है, पर ऐसा है नहीं। बहुत से लोग पक्षी पालते हैं, पक्षियों को पालना उचित है अथवा नहीं, अपना विचार लिखिए, पक्षियों को पालना उचित है या नहीं, उसके बारे में। पक्षियों को देखिए, पालना मतलब पिंजरे में बंद करना है। आप देखिए, अगर आप कुछ गर्मियों के मौसम में अपनी अपनी छतों पर पानी रख दें या कुछ अनाज के दाने डाल दें तो वे वहां पर आना शुरू कर देंगे। तो ऐसे आप कर सकते हो, पर पिंजरे में बंद करने से क्या फायदा? तो अगर आप उन्हें खाना पीना उनका अपनी छतों पर उनके लिए रखते हो तो वो ऑटोमेटिकली वहां पर आना शुरू कर देंगे। तो इस तरह से आप कर सकते हो, पर उन्हें पिंजरे में बंद ना कीजिए, ठीक है? तो ऐसे लिखिए, पक्षियों का पालन अनुचित कार्य है, मतलब उचित नहीं है, क्योंकि इससे उनकी आजादी का हनन होता है। हनन होता है मतलब ये सही नहीं है। उसके पास पंख है, क्या है? पक्षियों के पास पंख है, वे आसमान में उड़ना चाहती हैं। पंख क्यों दिए गए हैं उन्हें? उड़ने के लिए। तो हमें उन्हें ऑब्वियसली कैद नहीं करना चाहिए। वे प्रकृति की छाव में खुलकर रहना चाहती हैं, ना कि हमारे बंद पिंजरों में। जिस तरह हमें आज़ादी पसंद है, उसी तरह वे भी स्वच्छता पसंद करती है, क्योंकि बंधन में रहकर मिलने वाली सुविधाओं से आज़ादी की स्थिति श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ मतलब फर्स्ट है, ऊपर है। पक्षियों को पिंजरों में बंद करने से केवल उनकी आज़ादी का हनन ही नहीं होता, अपितु क्या होता है, पर्यावरण भी प्रभावित होता है। इस विषय पर 10 पंक्तियों में अपने विचार लिखिए। उन्हें पिंजरे में बंद करने से हम उनकी आज़ादी ही नहीं छीन रहे हैं, लेकिन जो प्रकृति में उनका जो काम है वो भी इम्बैलेंस हो जाता है। लाइफ साइकिल आपने अगर पढ़ी होगी
तो आपको पता होगा कि बर्ड्स जो हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या अर्थ वर्म्स वगैरह खाती हैं, तो उससे क्या होता है, एक लाइफ साइकिल चलती है। और जब वो फल वगैरह खाते हैं और जो बीज वगैरह इधर उधर फेंक देते हैं अपनी चोंच में से, उससे पेड़ उगता है। तो इस तरह से वे कई चीज़ों में प्रकृति को बैलेंस बनाए रखने में भी सहयोग करते हैं। पक्षी हमारे पर्यावरण को संतुलित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर हम उन्हें स्वच्छता ना प्रदान कर पिंजरे में बंद रखेंगे, तो हमारा पर्यावरण भी बुरा प्रभाव हमारे पर्यावरण पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। ये पर्यावरण के अनेक चीज़ों में सहायक का काम करती हैं। कुछ पक्षी छोटे कीटों को खाते हैं, जिससे संतुलित बनाए रखने में मदद मिलती है। पक्षी फलों को खाकर उनके बीज को गिरा देते हैं, जिसके फलस्वरूप नए नए पौधे पनपते हैं। कुछ पक्षी सफाई का काम भी करते हैं। वे आसपास की हमारी फैलाई गंदगी, जैसे रोटी का टुकड़ा आदि, खाकर उसे स्वच्छ बनाए रखने का काम करते हैं। यदि ये पक्षी नहीं रहेंगे तो पर्यावरण दूषित हो जाएगा और मानव कई बीमारियों से ग्रस्त हो जाएगा। इसलिए पर्यावरण की तरह इसका भी महत्व एक महत्व है। स्वर्ण श्रृंखला और लाल किरण सी में रेखांकित शब्द गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, स्वर्ण श्रृंखला और लाल किरण सी में रेखांकित शब्द गुणवाचक विशेषण है। कविता से ढूंढकर इस प्रकार के तीन और उदाहरण लिखिए। तीन और उदाहरण जैसे पुलकित पंख, कटुक निभोरी, कनक कटोरी, मतलब ये डैश है जो दो शब्दों को जोड़ता है ना, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये तीन शब्द हमें लिखने हैं। ऐसे ही और शब्द भी लिखने हैं। इस प्रकार के 10 अन्य उदाहरण खोजकर लिखिए। यहाँ पे इन्होंने दिया है, या तो ये डैश है भूखे प्यासे, तो सिर्फ एक बिंदु की वजह से ये दो शब्द हैं जो इन्हें जोड़ सकते हैं। भूखे प्यासे, भूख और प्यास, और इन्हें हमने ये डैश यूज किया है। ठीक है, तो ऐसे और शब्द लिखने हैं हमें। सुख दुख, रात दिन, अमीर गरीब, बुरा भला, अपना पराया, पाप पुण्य, सही गलत, धूप छाँव, सुबह शाम, खट्टा मीठा। तो ये हो गया। और दूसरा भी यहाँ से मैं आपको एक बार बता देती हूँ। इस तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं, हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते, चाहे तो आप वो आंसर लिख सकते हैं या ये आंसर लिख सकते हैं। पक्षी उन्मुख रहकर भी अपने कौन कौन सी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं, ये भी मैंने आपको अभी बताया, या तो वो लिख सकते हैं या ये भाव स्पष्ट कीजिए। ये तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तंती सांसों की डोरी। वही उक्त पंक्तियों का ये भाव है कि पक्षी आसपास में एक दूसरे से बाजी लगाकर दूर आसमान की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं। उसमें चाहे वे एक दूसरे को हरा दें या उनकी सांसें फूल जाएं। बहुत से लोग पक्षी पालते हैं, उचित है या अनुचित उसके बारे में है। क्या आपने या आपकी जानकारी में किसी ने कभी कोई पक्षी पाला है? उसकी देखरेख किस प्रकार की जाती होगी, लिखिए। तो ये आप लिख सकते हैं, आपके आसपास जो कोई पालता है तो उसके बारे में भी आप लिख सकते हो। मेरे एक मित्र ने एक तोता पाला है। वे उसे हर प्रकार के पकवान खाने को देता है, उससे बातें भी करता है। तोता भी उससे बातें करके काफ़ी खुश होता है, मगर जब वह आसमान की तरफ मुंह करके देखता है तो उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी देखकर मन भर जाता है और जी चाहता है कि उसे पिंजरा खोलकर मुक्त कर दूं। पक्षियों को पिंजरे में बंद करने के
केवल उनकी आज़ादी का हनन ही नहीं होता अपितु पर्यावरण भी प्रभावित होता है। इस विषय पर 10 पंक्तियों में अपने विचार लिखिए। तो आप इन चीज़ों को भी लिख सकते हैं, आप वीडियो पॉज करके ये वाला आंसर लिख सकते हैं या फिर वो वाला, ये आपके ऊपर है। तो ठीक है, हम आओ।